करके ऊंचा नाम राष्ट्र का, करके ऊंचा नाम राष्ट्र का वो भारत रत्न बन पाया, अपनी हॉकी स्टिक के करतबों से वो जादूगर कहलाया। जी हाँ, नमस्कार, मैं श्रेयसी कक्षा 7वीं की छात्रा आप सभी के सामने रिद्धि सिद्धि सेंट्रल स्कूल के द्वारा उपस्थित हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के दिन यानी कि 29 अगस्त को पूरे भारतवर्ष में प्रतिवर्ष हम सभी राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। हम सभी को पता है कि हमारे भारत देश का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। तो आज मैं आप सभी के सामने हॉकी के जाने माने उस्ताद जिन्हें हम मेजर ध्यानचंद के नाम से जानते हैं उनके बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। लेकिन उससे पूर्व मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। यदि मैं आप सभी से एक ऐसे व्यक्ति का नाम पूछूँ जिसने अपनी हॉकी के करतबों से पूरे दुनिया को आश्चर्यचकित कर खेल के इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों से अंकित करवा लिया हो, तो आपका जवाब निश्चित रूप से एक ही होगा और वो है मेजर ध्यानचंद का। सही जवाब है, जब वे खेल के मैदान में यानी कि हॉकी के खेल के मैदान में उतरते थे तब वो एक ऐसा मायावी इंद्रजाल बुनते थे जिससे सभी को ये लगता था कि जो विरोधी पक्ष हैं उनका हार सुनिश्चित है। उनके बारे में यह कहा जाता है कि वे किसी भी कोण से गोल कर सकते थे जिसके कारण सेंटर फॉरवर्ड के द्वारा उनको उनकी तेजी और ज़बरदस्त फुर्ती को देखते हुए उनके जीवन काल में ही उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा। उनका जन्म 29 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में हुआ था। उनकी रुचि हॉकी के प्रति रुचि और दीवानगी के कारण वे अपनी शिक्षा केवल 6ठी कक्षा तक पूर्ण कर पाए। उनका बचपन का नाम था ध्यान सिंह। वो अपने मित्रों के साथ पेड़ की डाली की मदद से स्टिक बनाकर और पुराने कपड़े की मदद से गेंद बनाकर खेला करते थे। एक बार की बात है, जब वे अपने पिता के साथ हॉकी मैच देख रहे थे उस समय उन्होंने देखा कि जो एक पक्ष विरोधी पक्ष के खिलाफ लगातार गोल पे गोल किए जा रहा था, क्योंकि विरोधी पक्ष जो था वो कमज़ोर था। तो कमज़ोर पक्ष की स्थिति देखते हुए ध्यानचंद ने अपने पिता से कहा, यदि वे कमज़ोर पक्ष की तरफ से खेलेंगे तो उस समय का परिणाम कुछ और ही होगा। जबकि उनके पीछे खड़ा आर्मी का एक ऑफिसर उनकी सारी बातें सुन रहा था। तो आर्मी के उस ऑफिसर ने ध्यानचंद को उस कमज़ोर पक्ष के खिलाफ खेलने दिया। जब वो कमज़ोर पक्ष की तरफ से खेलने गए तो उन्होंने कुछ ही देर में जो विरोधी पक्ष था उनके तरफ लगातार 4 गोल किए। 4 गोल करके उन्होंने अपने अद्भुत प्रतिभा को सबके सामने प्रस्तुत किया, जबकि उस समय उनका आयु मात्र 14 वर्ष था। कुछ दिनों पश्चात उस आर्मी के ऑफिसर ने उनको मात्र 16 वर्ष की आयु पे उनको इंडियन आर्मी में भर्ती कर लिया। इंडियन आर्मी में शामिल होने के पश्चात उनके पहले जो रेजिमेंट कोच थे वो थे भोले तिवारी। तो ये था मेरा कुछ शब्द मेजर ध्यानचंद के लिए। अब मैं मेजर ध्यानचंद के लिए एक छोटी सी पंक्ति प्रस्तुत करना चाहती हूँ जो कि कुछ इस प्रकार है। खेल को भावना से खेल गया, हरदम विजयी होकर आना, स्वर्ण की क्रांति चुंबकों की भांति, पग में विद्युति की तेजी और मुख पर शांति। अब मैं ध्यानचंद के लिए एक छोटी सी पंक्ति प्रस्तुत करना चाहती हूँ जो कि कुछ इस प्रकार है। खेल को भावना से खेल गया, हरदम विजयी होकर आना, स्वर्ण की क्रांति चुंबकों की भांति, त्याग के पर्याय व हार को था उनसे डर, सच ही कहते हैं उनको हॉकी का जादूगर। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, धन्यवाद। जुड़ो दीक्षांत से पाओ छुटकारा कोचिंग इंस्टीट्यूट से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी मटेरियल।